जेल से आ गए हैं, सत्ता में भी आएंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने आप नेताओं के जेल जाने और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनो ही सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को झूठे आरोपों में जेल में डालना लोकतंत्र के लिए अजीब है। उन्होंने दावा किया है हम जेल से आ गए हैं और फिर से सरकार में भी आएंगे। खार जिमखाना क्लब ने जेमिमा रॉड्रिक्स की सदस्यता रद्द की। महाराष्ट्र में मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना क्लब ने भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिक्स की सदस्यता रद्द कर दी है। मुंबई के जाने माने जिमखाना ने जेमिमा रॉड्रिक्स को उनके पिता के धार्मिक गतिविधियों के कारण सदस्यता रद्द की है। जेमिमा की सदस्यता रद्द करने का फैसला रविवार को वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया गया। खार जिमखाना के अधिकारियों के अनुसार उन पर आरोप है कि कमजोर लोगों का धर्मांतरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कुणाल सारंगी के बीजेपी पर गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन की जेएमएम में वापसी करने वाले कुणाल सारंगी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कुणाल सारंगी 4.5 साल तक बीजेपी में रहने के बाद जेएमएम में वापस आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुणाल सारंगी का कहना है, मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूं। इसे रिज्वाइनिंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह वह मंच था जो मुझे सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था, जिसके जरिए मुझे झारखंड की राजनीति में शामिल होने का मौका मिला था। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को राहत। महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। एंटीलिया मामले में उनके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। महागठबंधन तथा कथित एक दिखावा है। झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कर रही है। 4 सीटों पर वाम दल और 7 सीटें आरजेडी को देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव मान नहीं रहे हैं। अब इस पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पहले भी कहा था कि जो महागठबंधन तथाकथित है यह एक दिखावा है। इनके अंदर सही में ना एकता है, ना एकजुटता है, ना नैतिकता है, ना विकास की बातें हैं। माइनॉरिटी का ही गर्दन काट दिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में अब AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी ने कर दी है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम लड़ते इसलिए हैं ताकि दूसरों को काट कर आगे निकल जाएं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा, जो माइनॉरिटी के वोट के सौदागर थे उन्होंने वोट लेकर ताज तो पहना है, लेकिन माइनॉरिटी का ही गर्दन काट दिया है। अहमदाबाद ने 5 साल से चल रहा फर्जी कोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स जज बनकर फर्जी कोर्ट चला रहा था। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम का एक शख्स अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपना फर्जी कोर्ट 5 साल से चला रहा था। इस दौरान उसने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर पास किए। फिलहाल पुलिस ने मॉरिस सैमुअल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से वकील मॉरिस सैमुअल ने गांधीनगर में अपने ऑफिस को अदालत की तरह डिजाइन किया हुआ था। देवभूमि संघर्ष समिति का संजौली मस्जिद कमेटी को संदेश। सोमवार को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि कमेटी के पास धन की कमी है, ऐसे में इसके लिए वक्त लग सकता है। संजौली मस्जिद कमेटी 3 मंजिलों को हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों से धन जुटा रही है। इस बीच देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद कमेटी को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भाईचारा निभाने के लिए तैयार है। अगर संजौली मस्जिद कमेटी के पास धन की कमी है तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति इसके लिए श्रमदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गैंगस्टर अमन साहू बनना चाहता है विधायक। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं।
इन सब के बीच गैंगस्टर अमन साहू भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। झारखंड से रायपुर पहुंचे अमन के वकील हेमंत सिकरवार ने नॉमिनेशन फॉर्म पर अमन साहू के सिग्नेचर कराए हैं। गैंगस्टर अमन साहू ने झारखंड की कोर्ट में चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन लगाया है। सूत्रों की माने तो जेल में बंद अमन साहू झारखंड की बड़का गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। पेपर लीक मास्टरमाइंड के घर ईओयू की रेड। नालंदा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंगलवार को सर्च वारंट के साथ पुलिस पदाधिकारी और आर्थिक अपराध इकाई की टीम संजीव मुखिया के घर पर अचानक पहुंची और छापेमारी करने में जुट गई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। जांच टीम संजीव मुखिया के घर पर पहुंचकर कमरे से लेकर वो अन्य स्थानों पर जांच करने लगी। कुछ कागजात बरामद हुए। नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम आने के बाद नालंदा एक बार फिर चर्चा में है। पेपर लीक मामले में ही संजीव मुखिया का बेटा अभी जेल में है, मगर पिता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस कई बार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर चुकी है। पीएम मोदी ने किया रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने फिर किया रूस यूक्रेन का जिक्र। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयासों से मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। हिजबुल्ला ने तल अबीब पर दागे 20 रॉकेट। इसराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बीच हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उन्होंने तल अबीब पर 20 मिसाइल से हमला किया है। अपने बयान में ईरान समर्थक समूह ने कहा कि उसने इसराइल की राजधानी में स्थित नीरिट क्षेत्र में मिसाइलों से हमला किया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लेबनान समूह ने कहा कि उन्होंने हालिया हमला गाजा की फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और लेबनान लोगों की रक्षा के समर्थन में किया है। हिजबुल्ला का बयान अल जजीरा की संत एजेंसी द्वारा सत्यापित वीडियो के बाद आया है। तस्लीमा नसरीन की अमित शाह से अपील। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। उन्होंने अमित शाह से अपने एक्स हैंडल पर मदद करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उनका भारतीय रेजिडेंट परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बताया। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि उनका परमिट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तस्लीमा ने अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि अगर सरकार उन्हें भारत में रहने दे तो वह उनका शुक्रगुजार रहेंगी। शेख हसीना अभी भी प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजिक सबूत नहीं है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के दावे ने सियासत में बवाल मचा दिया है। मोहम्मद यूनिस 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने थे और शेख हसीना 5 अगस्त को भारत चली गई थी। इजरायली सरकारी मीडिया के दावे से फैली दहशत। इजरायली सरकार के मंत्री ने सोमवार को बताया कि ईरान के खिलाफ काउंटर अटैक बहुत जल्द किया जाएगा। यह जानकारी इजरायल के राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से दी गई। ईरान ने तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर जवाबी हमला करने की कसम खाई थी। हालांकि हमले की तारीख को गुप्त रखा गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।